ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख शुभ लाभ पूजन के बारे में बता रहा हूँ। शुभ लाभ पूजन क्या चीज़ है और शुभ लाभ पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है और शुभ लाभ पूजन क्यों करना चाहिए। शुभ लाभ पूजन, शुभ और लाभ दोनों ही अत्यंत फलदायी हैं और उनका अभिप्राय भी शुभ है। शुभ का मतलब संपूर्ण स्वच्छता और किसी भी कार्य को करने के लिए या संपन्न करने के लिए शुभ हो और उस कार्य की फल की प्राप्ति के लिए लाभ हो। शुभ लाभ पूजन का अभिप्राय यही है। शुभ लाभ पूजन गणेश जी के पुत्र होने के कारण जिस प्रकार गणेश जी की पूजा हम सर्वप्रथम करते हैं, उसी प्रकार से गणेश जी की पूजा के साथ साथ में शुभ लाभ का भी पूजन करना चाहिए। शुभ लाभ पूजन करने से किसी भी कार्य को अगर आप प्रारंभ कर रहे हैं तो वह निर्विघ्न संपन्न होता है, या जिस कार्य को आप अखंड रूप से चलाना चाहते हैं वह भी शुभ लाभ के पूजन से आपका कार्य चलता ही रहता है। शुभ लाभ पूजन जिस प्रकार से गणेश जी के पूजन के बराबर है और शुभ लाभ के पूजन करने मात्र से कोई भी कार्य निर्विघ्न चलता रहता है और कार्य की प्रारंभता भी शुभ बनी रहती है। आपका कोई भी संस्कार हो या कोई भी शुभ कार्य हो तो सर्वप्रथम आपको शुभ लाभ की पूजा करानी चाहिए, या किसी को आप आमंत्रण कर रहे हैं या भगवान जी को आप आह्वान कर रहे हैं तो भी आपको सर्वप्रथम शुभ लाभ का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि आने वाले व्यक्ति का या आने वाले अतिथि का आगमन शुभ हो और उनके आने का कारण भी शुभ हो, हमारे मन में इस प्रकार की धारणा होती है। इसलिए शुभ लाभ का स्मरण करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हमें प्राप्ति होती है और हमारा अभिप्राय भी पूरा हो जाता है। हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं या शुरुआत करते हैं या हम कोई नई वस्तु खरीद के लेकर के आते हैं तो हमें जो है उस चीज़ में शुभ लाभ जरूर अंकित करना चाहिए। उससे वह वस्तु अडिग रहती है, उसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं नहीं आती है। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी चीज़ की प्रारंभ करते हैं या मशीन को चलाने के लिए सर्वप्रथम हम आरंभ करते हैं तो पहले उसमें स्वस्ति का निशान और चार वेद और शुभ लाभ अंकित करते हैं, जिससे कि वह निर्विघ्न चलता रहे और उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। अथवा हम शोरूम से गाड़ी लेकर के आते हैं तो उसमें भी हम स्वस्ति का चिन्ह बनाते हैं और शुभ लाभ बनाते हैं अथवा लिखते हैं, तो उसका भी अभिप्राय यही होता है कि जो वाहन हम खरीद करके लेकर के आए हैं उस वह वाहन निर्विघ्न चलता रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न हो और कभी उसका दुर्घटना न हो और वह हमारे लिए फलदायी हो। अभिप्राय यही होता है कि शुभ लाभ अंकित करके, शुभ लाभ का स्मरण करके, उनकी पूजा करके कोई भी कार्य अगर हम प्रारंभ करते हैं तो उसका फल हमें शुभ प्राप्त होता है। आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कार्य आप घर पर प्रारंभ कर रहे हैं अथवा आप पूजन प्रारंभ कर रहे हैं या आप अपने कारोबार के बही खाता इत्यादि का प्रारंभ कर रहे हैं तो भी आपको सर्वप्रथम उन
किताबों में और खातों में आपको चाहिए कि सर्वप्रथम स्वस्ति का निशान बनाएं और शुभ लाभ अंकित करें, जिससे कि आपको आपका कारोबार निर्विघ्न चलता रहे और उसका फल भी आपको प्राप्त होता रहे। शुभ लाभ से महालक्ष्मी जी भी प्रसन्न रहती हैं, शुभ लाभ के पूजन से महालक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और वह महालक्ष्मी जी प्रसन्न होने से आपके घर में भी लक्ष्मी जी की कमी नहीं होती है, कारोबार में भी व्यापार में भी आपको जो है महालक्ष्मी धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए शुभ लाभ का पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। शुभ लाभ के पूजन से आपका हर कार्य हर क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होती है। शुभ लाभ पूजन विद्यार्थियों को भी करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता और बल विद्या बुद्धि के देवता हैं, उसी प्रकार उनके पुत्र भी बल विद्या बुद्धि के देवता हैं। इसलिए गणेश जी के साथ में शुभ लाभ का भी अगर विद्यार्थी स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनको भी बल विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। शुभ लाभ का पूजन करने की प्रक्रिया विशेष होती है। जिस प्रकार से गौरी गणेश की पूजा हम करते हैं, उसी प्रकार से शुभ लाभ का भी पूजन किया जा सकता है या कराया जा सकता है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी कार्य निर्विघ्न संपन्न कराना चाहते हैं, चाहे वह विवाह से संबंधित हो या आपके कारोबार से संबंधित हो, कोई भी कार्य अगर आप निर्विघ्न संपन्न कराना चाहते हैं अथवा आप शुभ लाभ के द्वारा महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं अथवा आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपके कारोबार में कोई विघ्न बाधाएं उत्पन्न न हो, ऐसा आप चाहते हैं, तो आप शुभ लाभ का पूजन अवश्य कराएं। हमारे इस संस्थान में मेरे द्वारा योग्य ब्राह्मणों के साथ में यह पूजा कराने का विधान हमने शुरू किया हुआ है, हम लगातार कर रहे हैं और इससे हमारे काफ़ी भक्तों को लाभ प्राप्त हुआ है। अगर आप लोग भी इस पूजा को कराना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें और हमारे द्वारा आप शुभ लाभ का पूजन अवश्य कराएं, जिससे कि आपको फायदा हो। और आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी भक्तों को इसके बारे में पता चले और उनको भी फायदा हो। नमस्कार।